नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश में दो दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है। अब किसी ने लापरवाही की तो पुलिस आपसे पूछेगी भी, चालान भी काटेगी, यानी फाइन भी आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चेकिंग चल रही है, जो भी गुजर रहा है उससे पूछा जा रहा है, सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी हैं। यानी जो दो महीने का लॉकडाउन आपने देखा था, अब ये दो दिन ठीक वैसे ही हैं। अगर किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की तो समझिए आपका चालान जरूर होगा। पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, वो भाई साहब कहीं जा रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए कि दो दिन जो है पूरी तरह से बंद है, लेकिन उसके बावजूद वो निकल रहे थे तो पुलिस ने चालान कर दिया। अब चालान हो रहा है तो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल यही है कि हर गाड़ी को पूरी तरह से जांच परख कर अगर ज़रूरी सेवाओं के लिए निकल रही है तो ही उसको जाने दिया जा रहा है, अन्यथा उसका चालान किया जा रहा है। और पुलिस की मुस्तैदी ऐसे ही अलग अलग शहरों के अलग अलग चौराहों पर लगातार आपको दिख रही है। कोई भी यहाँ पर, वो देखिए वहाँ पर, वो वहाँ से निकल रहे थे तो उन्हें यहाँ पर रोक लिया कि आखिरकार कहाँ जा रहे हो। आपको पता नहीं दो दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है? सर डॉक्टर के पास गए थे। हेलमेट जी, हेलमेट वहीं पे तो मैं बाहर। लाइसेंस है आपके पास? जी बनने दे रहा। इस गाड़ी का कागज है जी, लाओ दिखाओ। दिखाइए। तो लाइसेंस उनके पास है नहीं और हेलमेट उनके पास है नहीं, लिहाजा पुलिस ने उन्हें रोक लिया यहाँ पर कि आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और हेलमेट आपने क्यों नहीं पहना है। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। चेकिंग हो रही है चप्पे चप्पे। जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, अब पेनाल्टी बढ़ा के 500 रुपये कर दी है, उससे 500 रुपये की पेनाल्टी वसूली जा रही है, उनका चालान किया जा रहा है। जो लोग अनावश्यक रूप से निकले हैं सड़कों पर, उनका भी चालान किया जा रहा है मोटर वाहन अधिनियम के तहत, और दुकानें बंद करा दी गई हैं केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके। जो भी दिशा निर्देश हैं उसके क्रम में सघन चेकिंग कराई जा रही है, ताकि ये जो लगभग 55 घंटे का लॉकडाउन है, ये इसके उद्देश्य में हम पूरी तरह से सफल हो सकें। नहीं, कुछ लोग बिना जरूरत के घूम रहे हैं, उनका हम चालान कर रहे हैं। सवेरे से बहुत लोगों का चालान हो चुका है अब तक, और जरूरत समझी जाएगी तो इसमें अभियोग भी पंजीकृत करके उनको इनके खिलाफ कार्रवाई की। चप्पे चप्पे पर कागज़ उनके वहाँ पर परखे जा रहे हैं कि अपने कागज़ दिखाइए, वो भाई साहब कागज़ दिखाने में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से भले ही अब थोड़ी सी सूरज में चमक आ गई हो, सुबह सुबह बारिश हुई थी और अब मौसम थोड़ा सा गर्म होता जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार लापरवाही कब तक चलती रहेगी। इसी तरीके से हम आपको चप्पे चप्पे की जानकारियाँ देते रहेंगे कि आखिरकार किस तरीके से लोग देख रहे हैं। वहाँ पर भी देखिए, उन भाई साहब का चालान हो रहा है और वो भी चालान के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिससे भी पूछे, ये देखिए आगे स्टिकर लगाकर यहाँ पर अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन इसी तरीके से चालान भुगते जा रहे हैं। और फ़ोटो जो है बाइक के साथ लिए जा रहा है, उनका चालान किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और हर किसी से इसी तरीके से पूछा जा रहा है, जो भी यहाँ से गुजर रहा है, तो जो भी पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी पर हैं वो लगातार इसी तरीके से पूछ रहे हैं कि आप आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और आपको चालान कराना पड़ेगा। सर, जो भी आ रहा है क्या सबसे पूछा जा रहा है? हर किसी की चेकिंग होने के बाद ही उसे निकाला जा रहा है? देख तो रहे, चेकिंग तो हो रही है यहाँ पर। चेकिंग सब क्यों हो रही है? मतलब जो भी लॉकडाउन को तोड़ रहा है, चालान उसी के या बिना हेलमेट या और किसी दूसरी चीज़ों के? जो बिना आवश्यक कारण से जा रहा है, जो बिना आवश्यक कारण से निकल रहा है, उसके चालान, उसके वाहन के चालान हो रहे हैं। चप्पे चप्पे से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।